एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटीज के बारे में। आपको बता दूं आईआईटी भुवनेश्वर ने सीट इंक्रीज की बात की है, तो आप सभी को पता ही है जब से ईडब्ल्यूएस कोटा आया है तब से सारे आईआईटीज के सीट्स बढ़ाने के लिए कहे गए हैं, जिसमें आईआईटी भुवनेश्वर 2020-21 सेशन के लिए लगभग 70 सीट्स बढ़ाने वाली है अपने अपकमिंग एकेडमिक सेशन के। तो इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, टोटल कितने सीट्स बढ़ने वाले हैं, कौन से कोटा के कितने सीट्स होंगे वोमेन के और मेन के, और कौन से कैटेगरी की होगी, और कितने स्कूल्स के होंगे, मतलब आईआईटी भुवनेश्वर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में सीट बढ़ेगी, तो उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। 2020-21 सेशन की बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ने इंक्रीज करने वाली है अंडर ग्रेजुएट के लिए 70 सीट्स आपके इंक्रीज होने वाले हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में रिपोर्ट के मुताबिक पहले 420 सीट थी, अब सीट्स बढ़ने के बाद ये टोटल 490 सीट्स होगी इन ऑल सेवन स्कूल्स। हाँ, स्कूल जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं। दिस स्टेप हैज़ टेकन टू इंक्रीज एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड वुमेन कैंडिडेट्स। तो देख सकते हो आप, जैसे कि अगर 70 सीट्स की बात की जाए तो 18 सीट्स आपका वुमेन कोटा के लिए होगा और 52 सीट्स आपके ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए होगा, जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो बच्चे आते हैं उनके लिए होगा। तो ये टोटल सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत बढ़ाए गए हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पे कोई सीट्स इंक्रीज नहीं किया गया है। उसके बाद अगर इनके सेवन स्कूल्स की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज में आपके सीट्स इंक्रीज होने वाले हैं, तो सबसे पहले मैकेनिकल साइंस में, फिर आपका स्कूल ऑफ बेसिक साइंस, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस, स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंस एंड स्कूल ऑफ मिनरल्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो इन सभी डिपार्टमेंट में सीट बढ़ने वाली है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया अर्लियर। आपने देखा कि टोटल 70 सीट्स इंक्रीज किए जा रहे हैं, जिसमें 18 सीट्स वोमेन कोटा के हैं और 52 सीट्स आपके ईडब्ल्यूएस कोटा के हैं। तो आप सभी को पता ही है कि जेईई मेंस में पहले कम फीमेल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते थे, तो ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें और जेईई मेंस में क्वालिफाई करके आईआईटीज या जे एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटीज में एडमिशन ले सके, जो भी आईआईटीज के सेवन स्कूल्स हैं वहाँ पे जैसे भी एडमिशन होती है। तो ये इसलिए किया गया है, तो ये जेंडर बैलेंस के लिए किया गया है, इस सीट्स बढ़ाने गए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।